हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। सेहत तबीयत नियत फिट है, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल हरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यार अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वैसे नए तो दूर की बात, पुराने भी नहीं आ रहे आजकल। व्यू के नाम पे घंटा कुछ नहीं मिल रहा। मैं क्या बोलूँ, मैं फालतू में वीडियो अपलोड करता रहा तो व्यूज़ आते ही नहीं है। अच्छा यार काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे पास मौका ही नहीं था व्लॉग बनाने का। मुझे समझ नहीं थी आ रही किस पे बनाऊँ क्या, कोई करने को कुछ था ही नहीं। तो आज जलसा है, फिर से जलसा है। वो जैसे पहले जलसा था ना पिछले व्लॉग में, वैसा बिल्कुल नहीं होगा है। जलसे के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिखाया मैंने व्लॉग में। है छोड़ो उस बात को, तो उधर जाना है अब। तो अभी अजान हो गई है ईशा की, तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं फिर चलते हैं। ये 7 या तकरीबन 15-20 मिनट का सफर है, अगर आप 120 की स्पीड से जाओ तो बाइक पे। अगर थोड़ा कम जाओगे तो 30-40 मिनट लग जाएंगे। साथ ही गांव एक में है, तो चलते हैं। फिर आज काजी मतीउल्लाह साहब आ रहे हैं, जो मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। आपको, आप सब भी जानते ही होंगे उनको, तो जो नहीं जानते तो आज वो भी जान लेंगे। बहुत ही अच्छा उनका बयान होता है, नकाबते पढ़ते हैं तो उनका जो स्टाइल है ना बयान करने का, वो बहुत कमाल का है। तो अभी ईशा की अजान तो हो गई है, तो मैं जाऊँ नमाज़ पहले पढ़ते हैं। और फिर मोहल्ले के काफ़ी लड़के जा रहे हैं, तो सबको इकट्ठा भी करना है। नमाज का बोला हुआ है कि नमाज़ पढ़ के इधर गली में इकट्ठे होंगे तो निकलेंगे फिर। तो सर्दी भी है, रात को सर्दी हो जाती है, फिर बाइक पे आपको पता ही है। चलो यार पहले नमाज़ पढ़ लें। केड़े यहाँ सलामा कर दियो पे यार, तुसी चकोड़े जाने दे यार, चकोड़े पूरे में जान दियो, चकोड़े जाना पकोड़े खाने। अमर दे आज सारे आज सारे आज बैठो, डिक्की बंद करो यार, गड्डी यार इंज भी कर दे। हम मल्ले सारे अपनी जनता है, अपने मल्ले का फ्यूचर है। वाओ वेरी डेंजरस। ओ खाच बादू पारियो खाली आओ नमाज पढ़ के चलो चलो। मैं तुहानू वीडियो जो भी बनाना पैना, तुसी नस ना जाओ, फरार हो जाना है तुसी। यार बोलते नहीं मैं, चुप चुप यार। बंदा नमाज पढ़ के निकलिया तो बाहर आके कहंदा जे वजू करन लग पैंदा तो जमात लंघ जानी है, वजू तो बगैर ही पढ़ आया। टोपी तो चेक करा यार, चेक कर ले मेरे की बाल खोली। नमाजी साहब साढ़े बंदे आए, नमाजी नहीं पूरी आती थी यार, मैं कुछ चेंज कर लेना और लिया, मैं तेन सूट कर दी है। हाँ यार और किधर किधर है नींद जी, आ जा मस्जिद आ जा। क्यों मारने से पता तनु, मैं क्या इधर रात यार पंगे लंदा पंगे ने चार क्यों लवा पाल आगे लग। हां चलो ये लड़ना नहीं, मस्जिद चल मस्जिद चल चल मस्जिद पंगे लंदा यार। हां तू, हाँ यार तो अभी मोहल्ले की सारी जनता रेडी है, मैं आया हूँ ये चादर लेने और बाइक भी निकाल लें। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ? नहीं मैं नेक बच्चा हूँ, शरीफ सा लड़का हूँ मैं, बहुत इनोसेंट। ठीक है ज़्यादा हो रहा है, हाँ इनोसेंट तो हूँ लेकिन इतना भी नहीं जितना उसको बता रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात है। खैर यार सारे रेडी हैं तो निकले फिर, अभी ठंड है यार, ठंड है, ये ना हो वापसी तक मेरी बर्फ, मैं बर्फ बन गया हूँ। माशाल्लाह मास्क ला ना यार, बस जी हम तैयारी है, तू भी आ गए, बस चले हैं, जलसे से निकले लगे हैं। यार जा रहे हैं, सॉरी जाते थे ये चकोरे, ये भाई फात भाई है, ये मैं और ये मोहन चुपी भाई है, मुझे पानी के चुपी भाई है। A few inches later, यार अभी जा रहे थे हम अच्छे भले और हमारे एक जवान का मोटर बाइक हो गया पंचर, और पंक्चर वाला भी मैं ही हूँ। अभी और कोई दुकान खुली भी नहीं होगी, तो अभी जा रहे हैं चाबी लेने, चाबी ला दो उसको पंक्चर लगा के दे के फिर निकल। अभी चाबी और तेरे को और कोई कपड़े नहीं आई, शर्ट पाई रहना है ये वाले फाल भाई है, ये इनकी दुकान है फाल भाई की, इनकी मशीन है ये घूमने वाली, ये इनकी दुकान है, ये औजार है ये फाद भाई है, इनका स्मार्ट है। और ये फाद भाई पेंशन लगाने लगे हैं इनका, सुनने परे जलसे पे जा रहे सी, वे राह से के काम पे ये मेरा उस्ताद जी है,
ਪੈਜਰੂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੀਏ अभी हम जा रहे थे पैफल पे एक बाइक का पंचर हो गया ओए ओए मैं है यार पंचर की भी वीडियो बना दी है ब्रीड या पंचर देखो लैंडर नहीं करना पैंदा जी बंदे वाला लो जी मारा फाइनली पैचर लग गया ये लग गया भाई जी कितने पैसे ले ऐसे यार 250 रुपये ये भाई की तोते उड़ गए पैसे उड़ गए एक और निकला पैचर अभी वो लगा रहे हैं साजी फूके नहीं मुकरी हमी ये देखो फूके में फूके मारी जा रहा है अच्छा जी भाई उर्दू बोले बुला जा रहा है जी यार कैसे हम इतने अच्छा जा रहे थे ध्यान पे ये देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है क्या ये जो कोई मैं पेश करा रहा हूँ अच्छा पंचर है ये भाई इनके तारे खराब कर रहे हैं एक दो तीन ये देखो अभी दो टिलियाँ नहीं निकालना पंचर है ये भाई ये निकाल रहे हैं भाई का तो नुकसान ही कर रहे हैं यार ये भाई शुरू हो गया इसे टाइट करना है बंद ये हमारे उस्ताद जी ये काम करते नहीं वैसे इनको काम आता है ऐसा ही है पंचरों वाला ना यार झूठ मार मैं 10 बैठे हैं कि मैं करना से ना हो पाएगा ये बहुत वजन ही है ट्रैक्टर ओए होए ये मेरी के चादर ले रही है ठंड बहुत है सर्दी बहुत है निकली मारी रवानगी हो गई अभी कहां पे चूर चक लग गया वो चकोरे ओयो हो गया 2000 years later मोहम्मद का उस दिल विच नूर आ जाता है सुभान अल्लाह जिस दिल विच इश्क मोहम्मद का उस दिल विच नूर दोस्तों की महफिल में आकर बैठा इधर हातम दाई का नवासा आकर बैठा उधर उसी मजलिस में प्यारे आका का नवासा हुसैन बैठ गया हातम दाई ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए मेरा नाना ऐसा सभी था मेरे नाना का महल था महल के 8 दरवाजे थे उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे इधर से आगे ले लेना ये बंद हुआ इधर से आ जाना ये बंद हुआ इधर से आ जाना ये बंद हुआ इधर से आ जाना वो जब चुप हुआ अब हुसैन बोला हुसैन बोल के कहते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए 1 ही दरवाजा दिखा रखा मेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ इधर से आ जाना ये बंद हुआ इधर से आ जाना गोया तेरे नाना ने बता दिया था ये दरवाजा कभी बंद हो सकता है कभी ये दरवाजा बंद हो सकता है कभी इस दरवाजे वाले को नींद आ सकती है कभी इस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है कि साल में 1 ही दफा खोला जाएगा और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था साल
साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंदुरुस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ बड़ा है आ, औरत है आ मर्द है आ, जहाँ है वही पर आ, उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम है। उबादत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। उबादत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सूह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक शौके नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला हबशी है या तरशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तकलीर, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुनाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है। पड़ जाए किसी वक्त पे मरियम पे जो तोहमत, तिफलानों को झूले से बुलाता तू है। अल्लाह ने मेरे आका के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है और इतना आला बना के भेजा कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाए तो इनादर चहकने लगे, मेरे आका बात करे तो फूल झड़ने लगे। लोगों अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें ज़िन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दें सिद्दीक बने। सुभान अल्लाह। क्यों अल्लाह ने मेरे आका को आखिरी नबी बनाकर भेजा, नबियों का इमाम बनाकर, मकसूद कायनात बनाकर, मरकज कायनात बनाकर, हादीए कायनात बनाकर, रूहे कायनात बनाकर, तबीब कायनात बनाकर, हुस्ने कायनात बनाकर, रौनक कायनात बनाकर, बहार कायनात बनाकर, फख्र मौजूदात बनाकर, सयाह लामकाम बनाकर अल्लाह ने मेरे आका को भेज दिया। बेगरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो सबा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रचक आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, वफा बन कर, सखा बन कर, करम बन कर, अता बन कर, खुदा का फैज उतरा लामना से मुस्तफा बन कर। सुभान अल्लाह। अरे तकबीर अल्लाह हु अकबर। कुल आमिनत बिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन रब्बि इग़फिर वरहम। हां तो बड़ा मजा आ गया। और राम ना यार, राम की हो गया। और चलते रहो। A few moments later. Hi, कैसे रहे चावल? अरे देने। और नाला से थाम ले। 2000 years later. अभी वापसी हुई है उधर से, तो 12 तकरीबन बज ही चुके हैं, 10 मिनट रह गए हैं 12 बजने में।
बहुत सर्दी थी और बहुत ज़्यादा, अभी इधर आया हूँ तो सुकून मिला, वो जम गया था मैं तो मेरे हाथ बिल्कुल ना, मैं ही बाइक चला रहा था तो हाथ सुन थे एक जगह पे। है यार बयान की मैंने बनाई है सारी वीडियो, अब उसके मैं कुछ क्लिप्स ही ऐड करूँगा, तकरीबन 10-12 मिनट का बनाऊँगा व्लॉग, देख लेना यार। तो जो टोटल बयान है उसकी मैं बाद में वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो भी 20-25 मिनट की बन ही जाएगी तकरीबन, कुछ कट भी करूँ तो, वैसे अगर सारी अपलोड करूँ तो ज़्यादा बन जाएगी। वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी अच्छी लगी है नहीं अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे व्यूज़ मेरे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा वीडियोज़ पर, लास्ट जितनी भी अपलोड की है। खैर मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।